स्वदेश वाणी। चैनपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर बस्ती के एक सुनसान घर से पुलिस ने गुरुवार की अहले सुबह लगभग 5 बजे एक नाबालिग युवती का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी राजा नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अपराधित पीड़ित किशोरी को भी उसी स्थान से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी थाना क्षेत्र के सीसी करम टोली गांव की एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती अपनी सहेली के साथ बुधवार को चैनपुर स्थित 12वें मैदान में आयोजित सामूहिक गैदरिंग समारोह से रात 9:30 बजे अपने घर लौटने के दौरान रास्ते से राजा नायक ने युवती का अपहरण कर फरार हो गया। इधर युवती की सहेली ने इसकी सूचना एक साथी युवक के साथ मिलकर रात 2 बजे के आसपास चैनपुर थाने को दी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, दिवाकर मिश्रा, कपूर दीपक नाग व सशस्त्र बल के साथ युवती व अपहरणकर्ता की तलाश में छापामारी शुरू कर दी। पुलिस ने आनंदपुर बस्ती के एक सुनसान घर से अपहृत नाबालिग युवती को बरामद किया। वहीं मौके पर आरोपी युवक राजा नायक को भी गिरफ्तार कर थाना ले आई। पीड़ित नाबालिग युवती द्वारा राजा नायक के द्वारा अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।